अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और अभी ये जनाब आज का जो ब्लॉग है वो मेरा लंच टाइम से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे खाने की तैयारी हो रही है, उसके साथ साथ बर्तन धो रहे हैं और खाने में बनने हैं अभी आलू की भुजिया और मिट्टी की हंडिया में आज हम लोग बना रहे हैं फिर से। सबसे पहले यहाँ पे प्याज डाल के घी में तो हमने इसको किया है थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन। उसके बाद लहसुन अदरक डाल दिया था, हरी मिर्च डाल दी, वो जब थोड़े और ब्राउन हो गए तो फिर हमने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके आलू डाल दिए हैं। और उसके साथ साथ हमने डाला है नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया। और अब इसको पकने देते हैं जब तक आलू गल जाए। यहाँ जनाब शाम की चाय का टाइम हो गया है और पी ली जाए चाय। आजकल के दिनों में पता नहीं क्यों इस टाइम पे थोड़ी सुस्ती सी आ जाती है और चाय पीने से ज़रा बंदे का मूड फ्रेश हो जाता है। साथ में बन रहे हैं बच्चों के लिए नगेट्स और उसके साथ साथ आपको दिखाती चलूँ यहाँ पे कोई और सरप्राइज़ भी है। जी तो वो सरप्राइज़ है, आज है हमारे घर में किसी बच्चे की बर्थडे। आपको दिखाते हैं किसकी बर्थडे है। तो जनाब आज है हसन की बर्थडे और यहाँ पर आप देखें हसन की बर्थडे का जो केक है वो आ गया है। और केक देखने में कुछ ऐसा है, चले जी जब खाएंगे तो फिर इसको टेस्ट करके बताएंगे कैसा है। तो यहाँ देखें जी जनाब, आज बर्थडे के लिए तैयार हो रहे हैं फाइक। और फाइक के लिए मैंने ये शर्ट निकाली है इस पैंट के साथ, तो इसको ये पहना देते हैं जल्दी से। शावर इसने सुबह ही ले लिया था तो अभी इसको करते हैं तैयार। और यहाँ पे देखें जी हुसैन भी माशाल्लाह से तैयार होके आ गए हैं। और अभी हमें जाना है बाहर, इसलिए सब बच्चे ज़रा चेंज कर रहे हैं। और यहाँ भी देखें जी माशाल्लाह से चारों भाई मिलके केक काट रहे हैं हसन के बर्थडे का। और आप सब देखें ज़रा फाइक को कि वो कितना खुश हो रहा है सबके साथ में। तो माशाल्लाह अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती दे और नेक बनाए और दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता करे। बस आप भी दुआ कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। यहाँ जनाब हम घर से निकल आए हैं, बच्चों को जाना था मैकडोनल्ड्स, तो यहाँ पे हम लोग मैकडोनल्ड्स जा रहे हैं। और ये तकरीबन 8:30-9 बजे का टाइम था और बाहर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं थी। और यहाँ देखिए जी काफ़ी बीच में कुछ एरिया में तो काफ़ी सन्नाटा है, उसके बाद थोड़ा सा है क्राउड। तो चले जी चलते हैं और बच्चों को उनके पसंद का मील खिलाते हैं। और आज मौसम भी अच्छा है और गर्मी इस टाइम बिल्कुल भी नहीं है। माशाल्लाह से काफ़ी दिन हो गए हैं कि अब ज़रा हब्स जो है वो ख़त्म होने को है और मौसम बहुत बेहतर हो गया है, वरना अगस्त का तो सारा महीना हब्स में ही गुजरा है। तो आप भी ज़रूर बताइएगा आपके शहर में, आपके एरिया में कैसा मौसम है, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपके उधर मौसम बदला है या नहीं। तो यहाँ जनाब यहाँ पर हम आ गए हैं अभी। यहाँ पर काफ़ी लाइटिंग हो रही थी और आई थिंक यहाँ पे जो क्रिकेट टीम है वो उनकी कोई थी यहाँ पे सेरेमनी, और इसीलिए काफ़ी जगहों से रास्ते भी बंद थे। कितनी दो तीन जगह से हम लोग रास्ते ब्लॉक मिले, तो फिर टर्न लेने के बाद हम यहाँ से आए हैं। और आई होप सो कि अब हम जल्दी से मैकडोनल्ड्स जो है वो पहुँच जाएँ। पहुँचते पहुँचते हमें काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि दो तीन जगह से रास्ते बंद थे। और उसके बाद अभी वहाँ जा के आपसे मिलते हैं और फिर आपको भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं जनाब मैकडोनल्ड्स। और यहाँ देखें जी आप फाइक से मिलिए और फाइक यहाँ पे माशाल्लाह एंजॉय कर रहा है अपने कज़न्स के साथ, बच्चे बच्चों के साथ माशाल्लाह खुश रहते हैं। और यहाँ देखें जी जनाब हमारा, हमने जो ऑर्डर किया था हमारा मील आ गया है। तो चलें जी हम भी खा लें और आपके साथ भी शेयर करते हैं। अगर आपने खाना है तो आप भी हमारे हमें आएँ और हमें ज्वाइन करें। और यहाँ पर देखें जी तकरीबन 10:30 का टाइम हो गया है और बाहर इतनी रौनक भी नहीं है अब इस टाइम पे। ज़्यादातर दुकानें और जो आउटलेट्स हैं वो सारी की सारी मार्केट्स में बंद हो गई हैं। तो अभी चलते हैं घर, घर जाके सुलाते हैं बच्चों को क्योंकि बच्चों ने सुबह स्कूल भी जाना है। तो आई होप सो आपको आज का मेरा ये छोटा सा मुन्ना सा व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। और अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।